दोस्तों आईपीएल मिनी ऑक्शन अब खत्म हो गई है, जिसका डेट था 23 दिसंबर। और दोस्तों अब आईपीएल मिनी ऑक्शन खत्म हो गई है, जहां पे सभी फ्रेंचाइजी ने अपने दावे ठोके और अपने टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी को शामिल किए, और दोस्तों उन्होंने अपने टीम स्क्वाड में अच्छे अच्छे खिलाड़ी को भी शामिल किए। लेकिन दोस्तों आज हम बताने वाले हैं टॉप 10 ऐसे खिलाड़ी जो कि आईपीएल 2023 में सबसे महंगे साबित हुए और सबसे महंगा रकम पे बिके। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि आखिर वह टॉप 10 ऐसे कौन खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल 2023 में सबसे महंगे रकम पे बिके। तो दोस्तों उसके लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों खिलाड़ी नंबर 1 सैम कर्न, जिन्होंने पंजाब किंग्स ने इन्हें 18.5 करोड़ में इन्हें खरीदा, यानी कि 18.50 करोड़ में पंजाब किंग्स ने 2023 आईपीएल में इन्हें शामिल कर लिया है। दोस्तों पे खिलाड़ी नंबर 2 कैमरन ग्रीन, दोस्तों कैमरन ग्रीन जो कि इस आईपीएल में दूसरे ऐसे खिलाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा रकम पे बिकने वाले खिलाड़ी है, जिसको मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ में इन्हें खरीद लिया, यानी कि 17.50 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों आईपीएल 2023 में अब मुंबई इंडियंस की तरफ से कैमरन ग्रीन खेलते नजर आएंगे। दोस्तों यहीं पे खिलाड़ी नंबर 3 बेन स्टोक, और दोस्तों बेन स्टोक एक बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी है और दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान भी है। और दोस्तों सीएसके ने इन्हें 16.25 करोड़ में अपने टीम में शामिल कर लिया है, यानी कि 16.25 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग ने अपने टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग तीसरे ऐसे फ्रेंचाइजी है जिन्होंने आईपीएल 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी को खरीदे हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथा खिलाड़ी है निकोलस पूरन, दोस्तों निकोलस पूरन एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन दोस्तों उनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ में अपने टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से निकोलस पूरन खेलते नजर आएंगे। दोस्तों ये पाँचवें खिलाड़ी है हैरी ब्रुक, दोस्तों हैरी ब्रुक पे सभी फ्रेंचाइजी ने अपने अपने दावा ठोके थे, लेकिन दोस्तों आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इनका प्राइज है 13.25 करोड़, यानी कि 13.25 करोड़ में इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 2023 आईपीएल के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया है। दोस्तों वहीं पे छठे खिलाड़ी है मयंक अग्रवाल, दोस्तों मयंक अग्रवाल एक बेहतरीन खिलाड़ी है और दोस्तों इनको 2023 आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8.25 करोड़ में इन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों अब 2023 आईपीएल में हैदराबाद की तरफ से मयंक अग्रवाल खेलते नजर आएंगे, और दोस्तों 8.25 करोड़ में इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम में शामिल कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे सातवें खिलाड़ी है शिवम माबी, दोस्तों जिसको गुजरात टाइटंस ने अपने टीम में 6 करोड़ में खरीद कर शामिल कर लिया है। और दोस्तों इनका प्राइज है 6 करोड़, जो कि शिवम माबी इस साल बेहतरीन गेंदबाजी करते नजर आए थे रणजी ट्रॉफी में। दोस्तों वहीं पे आठवें खिलाड़ी है जेंसन होल्डर, जिनका प्राइज है 5.75 करोड़, यानी कि दोस्तों 5.75 करोड़ में इन्हें फिर से राजस्थान रॉयल्स ने टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों 2023 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जेंसन होल्डर खेलते नजर आएंगे, जो कि वेस्ट इंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक है। और दोस्तों इन्होंने 2023 आईपीएल में अपना अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पे नौवें खिलाड़ी है मुकेश कुमार, जो कि दोस्तों रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन गेंदबाजी की थी और दोस्तों जिसका सिलेक्शन भारतीय टेस्ट में भी हुआ था, लेकिन दोस्तों आईपीएल में दिल्ली कैपिटल ने 5.5 करोड़ में इन्हें खरीद लिया है, यानी कि 5.50 करोड़ में दिल्ली कैपिटल ने 2023 आईपीएल में अपने टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों 2023 आईपीएल में अब दिल्ली कैपिटल की तरफ से मुकेश कुमार खेलते नजर आएंगे। दोस्तों इसमें 10वें खिलाड़ी है हेनरी क्लासेन, दोस्तों साउथ अफ्रीका के एक बेहतरीन विकेट कीपर हेनरी क्लासेन को फिर से एक बार टीम में शामिल कर लिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, जिनका प्राइज है 5.25 करोड़, यानी कि 5.25 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों अब 2023 आईपीएल में हेनरी क्लासेन जो कि हैदराबाद की तरफ से खेलते नजर आएंगे। और दोस्तों टॉप ये 10 ऐसे खिलाड़ी है जो कि आईपीएल 2023 में सबसे महंगे साबित हुए और सबसे महंगे रकम पे बिके। लेकिन दोस्तों क्या 2023 आईपीएल में यह टॉप ऐसे 10 खिलाड़ी है जो कि अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं? दोस्तों इसे आपको क्या लगता है कि अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे,
तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे। और हाँ, आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले।